हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। विवेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी सब्जेक्ट से टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जो पार्ट थ्री है ये। अब पार्ट टू और पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट वन और पार्ट टू देख सकते हैं। दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन का सीरीज था, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते थे। दोस्तों, आज इन्हीं के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, चैनल को शेयर भी करिएगा और साथ में लाइक भी जरूर करिएगा। ये चलते हैं अपने सीरीज की तरफ। तो आइए चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी और ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी है बिहारी। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आइए देखते हैं, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी बिहारी, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है सौरसेनी और ऑप्शन डी है ब्राचर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी सौरसेनी, यानी हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री दोस्तों है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो रेलवे के परीक्षा में पूछी गई है 2005 में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1954 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी भाषा के आधार पर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है, क्वेश्चन नंबर फोर है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, यानी कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश, यही हमारा सही आंसर है। यानी कि भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी और ऑप्शन डी है पश्चिमी हिंदी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आइए देखते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, यानी कि बघेली बोली का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस तिथि को हिंदी हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को कब राजभाषा घोषित किया गया था या हिंदी भाषा को कब राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? आइए देखते हैं, ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1949 और ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1950। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आइए देखते हैं क्या है, इसका जो सही आंसर है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सेवन। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि 1955 में जो हमारा राजभाषा का आयोग बना था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ऑप्शन ए है वीजी खेर, ऑप्शन बी है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी है जीबी पंत और ऑप्शन ऑप्शन डी है पी सुब्बोरयान। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वीजी खेर, यानी कि वीजी खेर जो है वो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, वीजी खेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएसआई, यूपीएसआई का ये क्वेश्चन है, यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 22। इसका जो सही है आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन डी 22, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाओं की संख्या है वो 22 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है हिंदी की आदि जननी है, ये आदि है गलत लिखा गया है, हिंदी की आदि जननी है, ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है अपभ्रंश। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए संस्कृत, यानी कि संस्कृत जो है वो हिंदी भाषा की आदि जननी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का यही लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल, यानी कि 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था 2007 में? तो ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है लंदन और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है न्यूयॉर्क, यानी कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। दोस्तों ये हम लोग 10 क्वेश्चन देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 10 क्वेश्चन इसके आगे का देखेंगे जो कि हिंदी भाषा के विकास चैप्टर से ही रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।